हेलो अगेन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लघुगणकीय अवकलन या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसका थ्योरी पार्ट यदि आप नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप उसको देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 जो है, ये हम लोग भारतीय भवन का एक्सरसाइज 4 जो बड़े थे उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x बोल रहे हैं। इसका डीसी निकालिए, अर्थात डी ऑफ डीएक्स निकालिए। तो डी ऑफ डीएक्स निकालने के लिए रूल क्या है तो हम लोगों को पता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक लॉगरिथमिक रूल लगना है। लॉगरिथमिक रूल में हम लोग जो पढ़े थे लॉग एक्स इंटू वाई दिया रहे तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखते हैं, या log x into y into z दिया रहे log x into log y, sorry log x plus log y plus log z, हम लोग इसका यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सवाल को बनाने के लिए रूल क्या लगाते हैं तो हम एक बार उसको पहले चर्चा कर देते हैं। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में आप सबसे पहले आप दोनों तरफ log ले लीजिए। log लेने के बाद log रूल यदि लागू हो रहा हो तो पहले log रूल को लगा लें। log रूल लगाने के बाद उसके बाद आपको डी ऑफ डीएक्स निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, यहाँ पे x के सापेक्ष डीसी करना है। तो डीसी करने से पहले आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। दोनों तरफ लॉग लेने पर यहाँ पे log y बराबर होगा log cos x into cos 2x into cos 3x, log y बराबर देखिए log इसको हम x मान ले, इसको y मान ले और इसको z मान ले, तो क्या आपको दिख रहा है log x into y into z? हाँ, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log x x के जगह पे cos x प्लस यहाँ पे log y y की जगह पर होगा cos 2x प्लस यहाँ पर फिर होगा log z, z की जगह पर क्या है तो 3x है। अब आपको क्या करना है, x के सापेक्ष दोनों तरफ dc करना है। x के सापेक्ष dc करने पर जब x के सापेक्ष dc करें तो यहाँ पे होगा डी लॉग वाई बट्टा डी वाई इंटू होगा फिर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, इधर भी डी सी कर ले तो यहाँ पे होगा डी लॉग कॉस एक्स बट्टा होगा डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स होगा, प्लस यहाँ पे होगा डी लॉग यहाँ पे कॉस टू एक्स होगा बट्टा यहाँ पर डी कॉस 2x इंटू होगा डी कॉस 2x बट्टा डी 2x इंटू होगा डी 2x बट्टा डी एक्स, चेन रूल का यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे होगा प्लस इसका भी डी सी, यहाँ पे होगा डी लॉग कॉस 3x बट्टा होगा डी कॉस 3x इंटू होगा डी कॉस 3x बट्टा डी 3x इंटू होगा डी 3x बट्टा डी एक्स। अब देखिए इसका डी सी करें तो लॉग y का डी सी 1 बाय वाई होगा इंटू डी ऑफ डी एक्स, हाँ या ना। लॉग x का डी सी 1 बाय x, x के जगह पे cos x होगा इंटू cos का डी सी माइनस में होगा sin x प्लस, फिर log x का डी सी 1 बाय होगा cos 2x, फिर cos 2x का डी सी माइनस में होगा sin 2x, फिर 2x का डी सी 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे log x का डी सी 1 बाय x, x के जगह पे होगा cos 3x इंटू cos 3x का डी सी माइनस में होगा sin 3x इंटू 3x का डी सी 3, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
यहाँ पे 1 बाय वाई इंटू डिवाइडेड एक्स है बराबर यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस में होगा साइन बटा कॉस टेन, टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 2 को हम पीछे कर लेते हैं, साइन बटा कॉस यहाँ पे होगा टेन, 2x माइनस यहाँ पे 3 को पीछे कर लेते हैं, साइन बटा कॉस यहाँ पर होगा टेन 3x। अब देखिए यहाँ पे हुआ भाग में है ना, इधर आएगा तो गुना में, तो गुना में कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा dy वाई बट्टा डी एक्स बराबर y भाग में, इधर आएगा तो गुना में, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस y और इंटू टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स प्लस टेन थ्री एक्स होगा। यहाँ पर होगा 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर माइनस है तो माइनस लिखे y का जो मान है उस मान को यहाँ पर हम लोग फिर लिख लेते हैं, यहाँ पे होगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, फिर इंटू में नीचे लिख देते हैं 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, आप लोग फटाफट से लिखिए इसको। अब देखिए दो नंबर का क्वेश्चन है, y बराबर रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बट्टा x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। इस क्वेश्चन को भी लॉग लेकर के ही बनाना है, लेकिन एक काम यदि कर ले तो आसान होगा, y बराबर क्या x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बट्टा x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 को हम लोग ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे रूट को क्या हम पावर हाफ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर ले, दोनों तरफ लॉग ले ले तो आसान हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग ले ले तो यहां पे हो जाएगा लॉग y बराबर क्या पावर तो पीछे आ जाएगा, पीछे होगा और यहां पर होगा लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बट्टा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और इंटू होगा x माइनस 5। यहाँ पे log y बराबर 1 बाई 2, log रूल कहता है जब x बट्टा y हो तो x log x माइनस log y हो जाता है। सोचिए यदि हम इसको ऊपर वाले को x मान लें और नीचे वाले को y मान लें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस यहाँ पे होगा log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। हम एक बार फिर से बोलते हैं, देख लीजिए log ऊपर वाले को x मान ले और नीचे वाले को y मान ले तो log x बट्टा y के फॉर्म में है, और log x बट्टा y का फॉर्मूला होता है कि log x माइनस log y, x के जगह पर ये पूरा और y के जगह पर ये पूरा। अब देख लीजिए दो भाग में, इधर आएगा तो गुना में, हम 2 को इधर गुना में कर लेते हैं, 2 log y बराबर यहाँ पर होगा log x माइनस 1, अब log x प्लस log x इंटू y के फॉर्म में तो log x प्लस log y बन जाएगा, प्लस log y की जगह पर x माइनस 2, log इसको हम x मान ले इसको y मान ले तो log x इंटू y के फॉर्म में तो log x प्लस log y, इसी प्रकार से यहाँ पे log x इंटू y इंटू z के फॉर्म में है log x प्लस log y प्लस log z, लेकिन पीछे माइनस का चिन्ह है तो माइनस से समय गुना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस यहाँ पे log x माइनस 5। अब यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर, x के सापेक्ष
डीसी करने पर, अब डीसी करेंगे तो यहाँ पे टू कांस्टेंट है बार होगा, लॉग वाई का डीसी 1/y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स। यहाँ पर हम तोड़ करके साइड में दिखा देते हैं, यहाँ पर डी लॉग वाई बट्टा डी वाई लिखते हैं इंटू यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स लिखते हैं, तो लॉग वाई का डी सी 1/y होता इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स होता, यही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं। बराबर यहाँ पे लॉग, इसको हम एक्स मान ले तो 1/x, तो एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस वन का डी सी 1 हो जाएगा, प्लस इसका डी सी 1/x माइनस टू, फिर एक्स माइनस टू का डी सी 1 होगा, माइनस यहाँ पे इसका डी सी 1/x माइनस थ्री, फिर x माइनस थ्री का डी सी 1 होगा, माइनस इसका डी सी तो होगा 1/x माइनस फोर, फिर x माइनस फोर का डी सी 1 होगा, माइनस इसका डी सी 1/x माइनस फाइव होगा, फिर x माइनस फाइव का डी सी 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे log x माइनस वन था ना, हम एक का डी सी करके दिखाते थे, इसी टाइप से सारा का सारा होगा। यहाँ देख लीजिए d log x माइनस वन बट्टा, हम लोग लिखते डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स माइनस वन बट्टा डी एक्स लिखते चेन रूल के अनुसार, यहाँ पे log x का काम ये करेगा तो 1/x माइनस वन होगा इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, और 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डी सी 0, तो यहाँ पर 1/x माइनस वन इंटू 1 हम ऐसे ही यहाँ पर लिखे हैं, बाकी आप करके देख लीजिए यही आता है। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स को तो हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पे 2/y है, उठा किधर ले जाए तो y बाई टू बन जाएगा, और यहाँ पर होगा 1 को 1 से गुना कर दे, 1/x माइनस वन होगा, यहाँ पे प्लस में 1/x माइनस टू होगा, यहाँ पे माइनस में 1/x माइनस थ्री होगा, माइनस में 1/x माइनस फोर होगा, और माइनस में 1/x माइनस फाइव होगा। अब यहाँ देख लीजिए डी ऑफ डी एक्स बराबर, डी ऑफ डी एक्स बराबर वाई, वाई का मान ये है, इसको हम यहाँ पर फिर से रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बट्टा होगा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव, और इंटू में ये सारा का सारा, ये सारा आंसर में यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको लिखिए आप फटक से। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, y बराबर log x का पावर cos x, फंक्शन का पावर फंक्शन। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक पढ़े हैं, ठीक है, फंक्शन का पावर फंक्शन दिया रहे तो हम लोग शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, इसके लिए हम लोग ट्रिक पीछे पढ़े हुए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप तो को दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग ले लें तो यहाँ पे होगा लॉग वाई बराबर होगा लॉग लॉग एक्स का पावर होगा कॉस एक्स। अब देखिए ये पावर हमारा क्या होगा, पीछे आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग वाई बराबर कॉस एक्स इंटू यहाँ पे होगा लॉग लॉग एक्स। अब x के सापेक्ष डीसी कर ले दोनों तरफ, x के सापेक्ष डीसी करने पर तो log y का डीसी हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, तो u इंटू v का फॉर्मूला लगा दें तो u को छोड़े मतलब cos x को छोड़े, इसका डीसी होगा log x का काम ये करेगा, तो 1/log x, x के जगह पे log x, फिर log x का डीसी चेन रूल से 1/x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे log log x को हम लोग ऐसे रहने दें,
इसका डीसी होगा, कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। यहाँ दिया बेटा डी एक्स बराबर वाई भाग में इधर आएगा तो गुना में, यहाँ पे वाई इंटू हम इसको सजा करके लिखे तो कॉस एक्स बट्टा होगा एक्स लॉग एक्स। कॉस एक्स को वन से गुना करें, वन से गुना करें कॉस एक्स होगा, एक्स को लॉग एक्स से गुना करेंगे तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना कर दे तो माइनस होगा। साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं इंटू लॉग लॉग एक्स। अब देख लीजिए यहाँ डीओटा डी एक्स बराबर वाई, वाई का मान क्या है तो वाई का मान है यहाँ पर लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स। यहाँ पर फिर इसको हम ऐसे लिख दे कॉस एक्स बट्टा एक्स लॉग एक्स, माइनस होगा फिर साइन एक्स लॉग लॉग एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे चार नंबर का क्वेश्चन है, y बराबर x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x है। यहाँ पर भी फंक्शन का पावर फंक्शन है और यहाँ पे कांस्टेंट का पावर फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप जब फंक्शन का पावर फंक्शन दो रहे, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहे, तो आप डायरेक्ट लॉग ना लें। तब क्या करें, तब यहाँ पर आप मान लें y बराबर इसको हम लोग u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, यदि प्लस रहता तो प्लस का चिन्ह लिखते हैं। अब यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पे हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर यहाँ पे du बट्टा dx माइनस dv बट्टा dx होगा। यह हमारा समीकरण एक हो गया। अब क्या करें, U का आप अलग डीसी कर लीजिए, V का अलग डीसी कर लीजिए। जब डीसी करेंगे तो डी ओटा डी एक्स मिलेगा इससे, और इससे मिलेगा डी वी बट्टा डी एक्स। अब दोनों मान को समीकरण में एक में रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि U किसको माने हैं, U बराबर है एक्स का पावर एक्स। अब दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग ले लें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉग यू बराबर पावर पीछे एक्स, और यहाँ पर होगा लॉग एक्स। अब यहाँ एक्स के सापेक्ष डीसी कर ले तो लॉग यू का डीसी होगा वन बाई यू इंटू डी यू बट्टा डी एक्स बराबर यहाँ पर यू इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा। तो यू हम किसको मान लें, एक्स को, एक्स को छोड़ेंगे, इसका डीसी लॉग एक्स का डीसी वन बाई एक्स, प्लस फिर हम लोग log x को छोड़ेंगे, इसका dx एक्स बाई डी एक्स हमारा 1 हो जाएगा, x x कट जाएगा, यहाँ पे 1 बाई यू इंटू डी यू बट्टा डी एक्स है। यहाँ पे 1 प्लस log x को 1 से गुना कर दें तो log x हो जाएगा। यहाँ पे डी यू बट्टा डी एक्स बराबर u भाग में इधर आएगा तो गुना में, यहाँ पे u इंटू 1 प्लस log x लिख सकते हैं। डी यू बट्टा डी एक्स बराबर यू, यू किस को माने थे, x का पावर x, तो x का पावर x यहाँ पर लिख लें 1 प्लस log x। अब देखिए यहाँ पे डी यू बट्टा डी एक्स का मान पता हो गया, इसका मान हमको यहाँ पर रखना है। अब इसका भी मान हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए चूंकि भी हम लोग किसको माने हैं, 2 का पावर साइन एक्स, आप चाहें तो यहाँ पर भी लॉग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए का पावर एक्स का, ए का पावर एक्स का डीसी होता है ए का पावर एक्स लॉग ए बेस ए, उस फार्मूला को हम लोग यूज कर ले। तो एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर, जब एक्स के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी 2 का पावर साइन एक्स बट्टा, हमको लिखना पड़ेगा डी साइन एक्स चेंज रूल से, इंटू यहाँ पे होगा डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे डी बी बट्टा डी एक्स को हम लोग ऐसे रहने दें, ए का पावर एक्स का डी सी होता है ए का पावर एक्स, एक्स के जगह पे साइन एक्स इंटू लॉग ई बेस ए, ए के जगह पर 2 है, और फिर इंटू साइन का डीसी हो जाएगा।
कॉस एक्स, थोड़ा इसको सजा करके लिख लेते हैं, तो डी वी बेटा डी एक्स बराबर यहाँ पे कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स इंटू टू का पावर साइन एक्स इंटू लॉग ई बेस टू। अब देखिए यहाँ पर डी वी बेटा डी एक्स का भी मान पता हो गया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से हम लोग चलें तो एक में है क्या, तो डी वा बट्टा डी एक्स बराबर डी यू बट्टा डी एक्स माइनस डी वी बट्टा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर डी वा बट्टा डी एक्स बराबर डी यू बट्टा डी एक्स का मान हमारा ये है और डी वी बट्टा डी एक्स का मान हमारा ये है, इस दोनों मान को यहाँ पर रख लें तो एक्स का पावर एक्स होगा इंटू वन प्लस लॉग एक्स माइनस डी वी बट्टा डी एक्स का मान है यहाँ पे कॉस एक्स इंटू टू का पावर साइन एक्स इंटू लॉग ई बेस टू। यही आपका आंसर होगा, सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी। आ गया समझ में, आप इसको लिखिए। अब देखिए यहाँ पर पांच नंबर का क्वेश्चन है, y बराबर x प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस x प्लस फोर का होल क्यूब प्लस सॉरी इंटू एक्स प्लस फाइव का पावर फोर। इसमें बोल रहा है कि डी ऑफ डी एक्स निकालिए, तो डी ऑफ डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग लेने पर जब दोनों तरफ लॉग ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई बराबर यहाँ पे लॉग इतना, हम इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें और इसको जेड मान लें, तो लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड को हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख ही लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स के जगह पर एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस होगा लॉग एक्स प्लस फोर का स्क्वायर और प्लस होगा फिर लॉग एक्स प्लस फाइव का पावर फोर। अब देख लीजिए यहाँ पे लॉग वाई को तो हम लोग ऐसे रहने दें, ये पावर हमारा पीछे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस यहाँ पे बताइए आप क्या होगा क्यों भाई, यहाँ पे थ्री हमारा पीछे आ जाएगा और यहाँ पे होगा लॉग एक्स प्लस फोर होगा प्लस फोर हमारा पीछे आएगा और यहाँ पे होगा लॉग एक्स प्लस फाइव, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक्स के सापेक्ष डीसी कर लें तो इसका डीसी तो वन बाय वाई होगा इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर टू तो कांस्टेंट है बाहर होगा, इसका डीसी वन बाय एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री का डीसी वन। डीसी करने आता है ना आपको, हाँ नहीं आए तो आप कमेंट में लिखिए, अगर नहीं आता तो हम आपको फिर वीडियो बना करके डाल देंगे। प्लस यहाँ पर थ्री इसका डीसी वन बाय एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फोर का फिर डीसी वन होगा प्लस यहाँ पे फोर कांस्टेंट है बार होगा, इसका डीसी वन बाय एक्स प्लस फाइव होगा फिर इसका डीसी वन होगा। अब यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर वाई भाग में इधर आएगा तो गुना में, हम इसको सजा करके लिख लें तो यहाँ पे दो बट्टा एक्स प्लस तीन होगा प्लस यहाँ पे तीन बट्टा एक्स प्लस चार होगा प्लस यहाँ पे चार बट्टा एक्स प्लस पाँच होगा। डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर वाई का मान ये है, इस मान को यहाँ पे रख लें तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का होल क्यूब इंटू यहाँ पर होगा x प्लस फाइव का पावर फोर इंटू यहाँ पे टू बट्टा एक्स प्लस तीन बट्टा एक्स प्लस चार प्लस चार बट्टा एक्स प्लस पाँच। y के जगह पर ये जो मान है उस मान को रख लिए इंटू फिर ये वाला मान को हम ऐसे ही लिख दिए, यही अपने लोगों का आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसको लिख लीजिए। अब छह नंबर का क्वेश्चन है, y बराबर x प्लस वन बाय एक्स का पावर x प्लस एक्स का पावर वन प्लस वन बाय एक्स है,
ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, फिर यहाँ पर भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो आप लोगों को डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। तो करें क्या, तो इसे बनाने के लिए हम लोग वाई बराबर इस पार्ट को यू मान लें और इस पार्ट को हम लोग भी मान लें। क्या वाई बराबर यू प्लस भी के फॉर्म में है। अब यहाँ एक्स के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी यू बट्टा डी एक्स प्लस डी वी बट्टा डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण एक मान लें। तो अब u का अलग डीसी करेंगे और v का अलग डीसी करेंगे, जब u और v का डीसी करेंगे तो इससे हमको डी बटा डी एक्स मिलेगा और इससे डी वी बटा डी एक्स मिलेगा। अब उस दोनों मान को समीकरण एक में रखेंगे तो हमारा डी बटा डी एक्स निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, चूंकि u बराबर हम लोग माने हैं कि x प्लस वन बाय एक्स का पावर क्या है x। अब क्या करना है, आपको दोनों तरफ लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग u, पावर हमारा पीछे आ जाएगा तो x पीछे, और यहाँ पे होगा लॉग x प्लस वन बाय एक्स होगा। अब यहाँ x के साथ x डीसी कर लें तो इसका डीसी हो जाएगा वन बाय यू इंटू, फिर u का डीसी डी यू बट्टा डी एक्स होगा बराबर। यहाँ पर देख लीजिए ये u इंटू भी का काम करेगा तो u को छोड़े इसका डीसी होगा वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स, फिर x प्लस वन बाय एक्स का डीसी तो डी एक्स बाई डी एक्स वन बन जाएगा प्लस वन बाय एक्स का डीसी माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है। यदि आपको ये डीसी सब करने नहीं आता है तो हम पीछे बहुत सारा वीडियो बना करके डाले हुए हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। प्लस u को छोड़े भी का डीसी प्लस भी को छोड़े मतलब यहाँ पर लॉग x प्लस वन बाय एक्स को छोड़े तो डी एक्स बाई डी एक्स हमारा वन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी यू बट्टा डी एक्स बराबर यू भाग में, इधर आएगा तो गुना में, अब यहाँ पर होगा x को वन से गुना कर दे x होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए क्या नीचे वन है एलसीएम x होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स उलट करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे x इंटू एक्स बट्टा यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन प्लस और माइनस में होगा वन बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया। प्लस यहाँ पे लॉग x प्लस वन बाय एक्स होगा। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर भी नीचे वन है, यहाँ पे डी यू बट्टा डी एक्स बराबर यू, यू का मान है x प्लस वन बाय एक्स का पावर x, और यहाँ पर x इंटू एक्स हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस यहाँ पे होगा लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स। अब देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम हटा सकते हैं, जब हटाएंगे तो यहाँ डी यू बट्टा यू है, ये डी यू बट्टा डी एक्स बराबर होगा यहाँ पे एक्स प्लस वन बाय एक्स का पावर एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बट्टा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिख लिए, प्लस यहाँ पे होगा लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स। अब डी यू बट्टा डी एक्स का मान पता हो गया, अब हमको डी यू बट्टा डी एक्स का मान से ये मान कहाँ से मिलेगा, तो इससे मिलेगा। तो अब देख लीजिए चूंकि भी बराबर है एक्स का पावर वन प्लस वन बाय एक्स है, अब यहाँ पर भी दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लें तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग भी बराबर पावर पीछे आ जाएगा तो वन प्लस वन बाय एक्स होगा
और यहाँ पर होगा log x। अब यहाँ पर भी x के सापेक्ष dc कर लें तो log v का dc होगा 1 बाई वी इंटू डी वी बट्टा डी एक्स होगा बराबर। यहाँ पर भी u इंटू वी का फार्मूला लगा दें तो ये u और ये v, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स को छोड़ दें मतलब u को छोड़ दें, इसका dc होगा 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे log x को छोड़ दें और इसका dc करें तो 1 हमारा कांस्टेंट, इसका dc 0 प्लस 1 बाई एक्स का dc माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 बाई वी को उठा कर किधर ले आए तो भाग में हो जाएगा, सॉरी भाग में गुना में हो जाएगा, यहाँ पे डी वी बट्टा डी एक्स को हम लोग ऐसे रहने देते हैं, ये भी भाग में इधर आएगा तो गुना में वी इंटू यहाँ पर नीचे 1 है एलसीएम एक्स होगा, यहाँ पे एक्स प्लस 1 हो जाएगा इंटू 1 बाई एक्स, यहाँ पे 0 में इसको जोड़ेंगे तो यही होगा लेकिन पीछे माइनस का चिन्ह है तो माइनस को प्लस से गुना कर देंगे माइनस होगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर, यहाँ डी वी बट्टा डी एक्स बराबर भी, भी का मान क्या है एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स को एक्स से गुना कर दें एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में लॉग एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे डी वी बट्टा डी एक्स बराबर होगा एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स होगा, और यहाँ से दोनों से 1 बाय एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस में होगा लॉग एक्स, यहाँ पे डी वी बट्टा डी एक्स बराबर होगा। अब देखिए एक्स का पावर ये और एक्स का पावर 2, जब दोनों का आधार एक जैसा हो भाग के रूप में है तो पावर को घटा देते हैं तो एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स होगा। डी वी बट्टा डी एक्स बराबर यहाँ पर एक्स, यहाँ पर होगा 1 बाई एक्स, दो में से एक घटाएंगे तो माइनस में एक होगा और इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। अब देखिए ये जो हमारा निकला वो डी वी बट्टा डी एक्स का मान निकला। एक चीज आपके लिए छोड़ देते हैं, डी बट्टा डी एक्स निकालना है तो डी बट्टा डी एक्स बराबर, चूंकि डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी यू बट्टा डी एक्स प्लस डी वी बट्टा डी एक्स, तो डी बट्टा डी एक्स बराबर डी बट्टा डी एक्स का मान यहां है, ये मान यहां पर, प्लस डी वी बट्टा डी एक्स, तो डी बट्टा डी एक्स का मान यहाँ पर है, ये मान यहाँ पर, ये दोनों चीज़ आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा, छोड़ देना लिखिए। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, y बराबर log x का पावर x प्लस x का पावर log x है, यहाँ पर भी फंक्शन का पावर फंक्शन प्लस फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो यहाँ पे जब दो फंक्शन का पावर फंक्शन दिया है और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग मान करके चलते हैं, इसको हम लोग u मान लें और इसको हम लोग v मान लें, यहाँ पे u प्लस v के फॉर्म में है, y बराबर x के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर du बट्टा dx प्लस dv बट्टा dx होगा। अब देखिए ये हमारा समीकरण एक हो गया, चूंकि u बराबर है log x का पावर x है, अब यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर तो यहाँ पे हो जाएगा log u बराबर पावर पीछे होगा यहाँ पे x log log x, हाँ या ना, यहाँ पर अब x के सापेक्ष dc कर लें तो इसका dc हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बट्टा डी एक्स होगा। अब यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा, u को छोड़ दें मतलब x को छोड़ दें, यहाँ पर इसका dc 1 बाय यहाँ पे log x होगा इंटू फिर log x का dc 1 बाय x होगा प्लस log log x को छोड़ दें
इसको छोड़ दें, इसका डी सी तो वन होगा। यहाँ पे डी यू बट्टा डी एक्स बराबर यू भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ पे यू इंटू, क्या हम लोग एक्स से एक्स को हटा सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वन बाय लॉग एक्स प्लस यहाँ पर होगा लॉग लॉग एक्स, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे डी यू बट्टा डी एक्स को हम लोग ऐसे रहने दें, u u हम लोग माने हैं कि log x का पावर x है, यहाँ पे log x का पावर x को लिख लें, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय log x प्लस होगा यहाँ पे log log x, हाँ या ना। अब देखिए जब du बटा dx का मान पता हो गया तो हम लोग du बटा dx का मान पता कर लें, तो इसका मान पता करने के लिए चूंकि हम लोग v बराबर माने हैं x का पावर क्या है तो log x है, अब यहाँ पर भी दोनों तरफ log लेने पर जब log लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log भी बराबर log x पावर है, वो पावर हमारा क्या होगा पीछे आ जाएगा, तो log x पीछे आएगा और यहाँ पे होगा log x। अब यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पे log v का डीसी होगा 1 बाय v इंटू डी वी बट्टा डी एक्स होगा, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, हमारा पहला log x u का काम करेगा और दूसरा log x v का, u इंटू वी का फॉर्मूला, यहाँ पे पहला log x को छोड़ दें, इसका डीसी हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस इसको भी मान लें, इसको इस बार छोड़ें log x को छोड़ें, इस log x का डीसी हो जाएगा 1 बाय एक्स। अब देख लीजिए यहाँ पर डी वी बट्टा डी एक्स को हम लोग ऐसे रहने दें, u सॉरी v भाग में, इधर आएगा तो गुना में, ये और ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो दोनों जोड़ने के बाद हो जाएगा 2 log x into 1 by x। अब यहाँ डी वी बट्टा डी एक्स बराबर v का मान क्या है x का पावर log x है, x का पावर log x यहाँ पे होगा 2 log x बट्टा x। अब यहाँ डी वी बट्टा डी एक्स बराबर पावर 1 है, जब दोनों का आधार एक जैसा हो भाग के रूप में हो तो पावर घटेगा, तो यहाँ पर होगा x का पावर यहाँ पे log x माइनस 1 इंटू यहाँ पे होगा 2 log x। अब देखिए यहाँ पर डी यू बटा डी एक्स का मान पता है, डी बटा डी एक्स का मान पता है, अब इस दोनों मान को समीकरण एक में रख दें तो समीकरण एक से डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी यू बटा डी एक्स, तो डी बटा डी एक्स का मान यहाँ पर है लॉग एक्स का पावर एक्स और इंटू में वन बाय लॉग एक्स, यहाँ पर होगा वन बाय लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स, यहाँ पे होगा लॉग log x, यहाँ पर u का मान हो गया प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखें और डी भी बटा डी एक्स का मान यहाँ है, इस मान को यहाँ पे रख लें तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर log x माइनस वन इंटू यहाँ पर होगा 2 log x, यही आपका आंसर होगा, आया ना समझ में, इसको लिख लीजिए आप टक से।